السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أوكي جناب، اب هم چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ پر ان شاء الله. मेरा नाम जो है वो मोहम्मद अदील है, जैसे आपके टाइम टेबल में आपके पास लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह हम साथ जो है वो अरबी का एक सफ़र हल करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह. अरबिक के हवाले से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे पास दो बुक्स हैं. मैं आपके साथ उन बुक्स को आपके आपके साथ मिनी आपके पास वो बुक्स उन बुक्स का लिंक जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ से आप सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है. एक हमारे पास बुक, ये जो हमारे बुरुज इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं अरबिक ग्रामर 101 के, ठीक है. इसमें हमारे पास उर्दू में भी नोट्स हैं और इंग्लिश में भी नोट्स हैं. ये आप देख रहे हैं कि ये अरबी ग्रामर के हमारे पास नोट्स हैं उर्दू में, तो ये दोनों आपसे शेयर्ड हैं. तो हमारा जो इस सब्जेक्ट के हवाले से जो हमारा सिलेबस है वो हमें इन नोट्स को इंशाल्लाह कवर करना है. ये जो नोट्स हैं ये मुख्तलिफ अरबिक ग्रामर की इंट्रोडक्टरी बुक्स से गुजरने के बाद हमारे यहाँ के कुछ टीचर्स ने जो टॉपिक्स को सिंप्लीफाई कर सके थे, कुछ चीज़ों को रिड्यूस करके ऐसा कोर्स बना देना जो कि लिमिटेड टाइम के अंदर, थोड़े ही टाइम के अंदर बेसिक ऐसे रूल्स क्लियर हो जाएं, जिससे फिर इंशाल्लाह अगले सालों में आपकी बुनियाद और मजबूत हो सकती है. तो हमारे एक तो हमारा जो सिलेबस रहेगा अरबिक सब्जेक्ट के हवाले से वो ये अरबिक ग्रामर रहेगा, और दूसरा जो है वो हमारे ये जो किताब है दुरुसुल लुगा, इसका हमारा इंशाल्लाह जो फर्स्ट वॉल्यूम है ये हमारा जो है इंशाल्लाह अरबिक में हमारा कोर्स रहेगा. तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे अरबिक के हवाले से, अरबिक के हमारे जैसे आपको बुक का जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप की अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक लिंक है जिसमें आपके पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस में हैं. आप उनको चाहें तो आप परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से, आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं. भूज के जो अरबिक ग्रामर के नोट्स हैं ये शायद आपको मार्केट में तो ना मिले, तो अगर आपका एक्सेस हो भूज इंस्टीट्यूट आने का तो आप यहाँ से हमें बता के आप कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको प्रिंट कर सकते हैं. कोई बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, कुछ 80-90 के करीब पेजेस बनते हैं, तो आप इनको आराम से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी. हमारी जो क्लासेस हैं अरबिक की वो मंडे ट्यूसडे इंशाल्लाह 6-7 रहेंगी. पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम इंशाल्लाह इन दो बुक्स को अच्छे से अच्छे तरीके से कवर कर सकें. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें टाइम की वजह से और जिस लेवल पे हम हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. तो आमतौर पर ऐसा होता है कि एक क्लास में स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ लेवल के होते हैं, कुछ चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से पिक कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है उनको पिक करने में. ये अल्लाह ताला की तरफ से आता होती है, अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया उसके हिसाब से दिया है. हमें यह ख्याल रखना होता है कि हम क्लास को एक एवरेज पेस के हिसाब से रखने की कोशिश कर सकते हैं, और आमतौर पर मेरा ये तरीका होता है कि शुरू में जो है मेरी क्लासेस हम काफ़ी स्लो पेस पे चलती हैं, ताकि जिनको शुरू में डिफ़िकल्टी हो रही होती है उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कंसिडर करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए शुरू में मैं काफ़ी स्लो पेस रखता हूँ. तो उसमें एक ये होता है कि जिनको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होती हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि उनको चीज़ समझ आ गई होती है और उनको लगता है कि क्लास काफ़ी स्लो चल रही है. तो शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर 1-1.5 महीने बाद जो है फिर वो पेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगती है, ठीक है. तो ये आप इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करेंगे कि शुरू में हमारी पेस स्लो होगी और जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाते रहेंगे तो
तो वो पेस जो है वो तेज होती रहेगी, और उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है एज स्टूडेंट्स कि आप कम से कम तमाम क्लासेस को अटेंड करें, लाइव हो सके तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है, और अगर लाइव नहीं तो कम से कम आप डेली बेसिस पे जो है वो क्लासेस को साथ साथ फॉलो करते रहें। आप लोग चूंकि फर्स्ट ईयर में है इसलिए आपकी क्लासेस सिर्फ हफ्ते में 4 दिन है, बल्कि 5 ही दिन है, राइट, 5 दिन आपकी क्लासेस है, तो 2 दिन अगर आपके पास ऑफ होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी क्लासेस किसी दिन मिस हो जाएं तो आप उसको वीकडेज में, वीकेंड्स पे या जो भी आपके पास टाइम मिलता है मॉर्निंग का या किसी टाइम में, आप उसको कवर कर लें। अच्छा हाँ, आपकी क्लासेस सॉरी 3 डेज हैं, आपकी क्लासेस सिर्फ 3 डेज हैं, मंडे ट्यूसडे और फिर थर्सडे, राइट, तो फिर आपके पास वेंसडे का, फ्राइडे का, सैटरडे संडे, ये डेज आपके पास होते हैं, तो आप पूरी कोशिश करें कि अगर मंडे की कोई क्लास मिस हो गई है तो ट्यूसडे को नहीं तो वेंसडे को आप उसको कवर कर लें। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप जैसे ऐसे क्लासेस के साथ साथ रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भारी फील नहीं होगा। अगर आप क्लासेस को डिले करते रहेंगे और आप मैं बाद में कर लूंगा, या ये जो अरबी में एक चीज कहलाती है तस्वीफ, किसी चीज को डिले करते रहना, प्रोक्रेस्टिनेट करना कि इंशाल्लाह बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि ये शैतान की तरफ से एक टेक्निक होती है, एक टैक्टिक होती है कि वो चीजों को इस तरह डिले कराता है कि फिर वो एक जैसे छोटे छोटे, जैसे आपने सुना होगा कि कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो इसी तरह एक एक लेसन जो है वो पूरी फिर किताब बन जाती है, और फिर उसको एक साथ कवर करना जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप पूरी कोशिश करें कि अपना कुछ टाइम इंशाल्लाह डेडिकेट कर दें। लॉकडाउन की सिचुएशन है, मुख्तलिफ सिचुएशन है, घरों के हवाले से कमिटमेंट्स होती है, तो जिस हद तक आपके लिए मुमकिन हो कुछ टाइम डेडिकेट कर दें और उस टाइम को पूरी कोशिश करके आप एलोकेट कर दें। इंशाल्लाह देखें ये आपकी तरफ से एक जिहाद है, आपकी तरफ से एक मेहनत है अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के दीन को समझने की। आप अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में मेहनत करता है हम उसको अपना रास्ता दिखाते हैं। तो देखें ये हमारे एंड पर है कि हम अल्लाह ताला से कितनी मेहनत की तौफीक मांगते हैं और कितनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। जब कोई शख्स शैतान के रास्ते में मेहनत करता है तो शैतान उसकी मदद करता है, ये जो हिज़्बुल शैतान है, तो अल्लाह ताला तो शैतान से बहुत ज्यादा, बल्कि बेहद जो है, यानी उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कि अल्लाह ताला के रास्ते में जो निकलता है अल्लाह ताला उसकी जितनी मदद करते हैं। तो आपने बस ये इरादा करना है कि इंशाल्लाह आप इस रास्ते पे कायम रहेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए, आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके लिए मुख्तलिफ दरवाजे खोलेंगे जिससे आपके लिए आसानियां होंगी। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जो है क्लासेस में साथ साथ फॉलो करें। असाइनमेंट्स और क्विजेज जो है वो जैसे जैसे टीचर आपको बताते रहेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे, चलो उसके बारे में आप परेशान ना हो। आए आज, अब हम जो है हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है तो हम कुछ शुरुआत कर ले हमारे टॉपिक की, ताकि जो है वो हम आज के दिन को इन सवालों के अलावा हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के हवाले से भी डिस्कस कर लें। अच्छा जी, कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट्स थोड़े से कम रखें। देखें मिसाल के तौर पे ये कभी कभी थोड़ी सी अजीब बात लगती है, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, जैसे अगर आप किसी महफिल में होते हैं और मिसाल के तौर पे 10 लोग बैठे हैं और 11वां शख्स आता है और 11वां शख्स आके सलाम करता है, तो अब महफिल में जो 10 लोग बैठे हैं उनमें से अगर कोई एक भी जवाब दे देता है तो वो पूरी महफिल की तरह से काफी हो जाता है। हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता कि हर कोई जो है वो उसको सलाम का, उसके सलाम का उतने ही जोर से जवाब दे, ठीक है, वरना फिर क्या होगा, एक अजीब सा माहौल बन जाता है कि एक शख्स आया और 10 लोग उसको सलाम का जवाब दे रहे हैं, तो वो माहौल कुछ अजीब हो जाता है। तो इसी रूल को अगर हम यहाँ पे चैट बॉक्स में भी कंसिडर करें कि अगर कोई शख्स आ जाता है और वो सलाम कर भी देता है, या अगर मैं एज ए टीचर जब मैं क्लास शुरू करूँ मैं सलाम का जवाब सलाम कहूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप चैट बॉक्स में जो है वो सलाम का जवाब दें, या इसी तरह आप शुक्रिया अदा करें, या आपको इस तरह अगर हर कोई ये करने लगता है तो वो 500 लोगों में से मिसाल के तौर पे अगर 25 लोग भी करें तो वो बहुत ज्यादा मैसेजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को इग्नोर कर दिया करें, कोई मसला नहीं है, सलाम किया जाए तो आप वर्बली अपने घर में बैठ के एक सलाम का जवाब दे दिया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है, फरिश्ते उसको पहुंचा देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो जो कॉमेंट्स हो आप उनको कंट्रोल करें ताकि आपको भी और दूसरों को भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासेस को शुरू की क्लासेस में इस चीज पे आपकी बार बार याद दहानी कराता रहूंगा इंशाल्लाह,
एक टाइम आएगा उसके बाद फिर मैं इन चीजों को इतना मेंशन नहीं करूंगा, उसमें कहीं हो सकता है यानी अगर बार बार रिपीटेशन हो रही होगी तो फिर वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिस होते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप लोगों पे। ओके जनाब, हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल करे और इस सब्जेक्ट को हम सब के लिए आसान करे। मुझे उम्मीद है कि आपके पास एक, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड स्क्रीन। आप लोगों के पास हमारी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है, उम्मीद है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो हमने शुरू करना है, हमारा टॉपिक है अरबी जबान। ठीक है, कोई मुझे शुरू बता सकेंगे कि अरबी जबान में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ट्वेंटी एट अल्फाबेट्स होते हैं। अच्छा जी, हम उन अल्फाबेट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अरबी उसे उनका तारुफ खास नहीं हुआ है, कुछ का उर्दू से है, तो हम जरा सा क्लैरिफाई कर लें इंशाल्लाह। हम अरबिक के, मैं अरबिक के अल्फाबेट्स को साथ साथ जो है वो लिख रहा हूँ। एक तो हो जाएगा ये अलिफ जिसको कहते हैं, फिर बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, तो, ठीक है, फिर आयन, गैन, फा, ऑफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हमजा और या। हा, हमजा और या, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैं कोई अल्फाबेट मिस तो नहीं कर रहा। अच्छा जी, रॉ हो गया ना, रॉ हो गया यहाँ पे, रॉ, फिर ज़ा, फिर सीन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैं वाज़े कर दूँ, जो उर्दू पढ़ते हैं आमतौर पे उनमें और इनमें जो है यानी थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि उर्दू में होते हैं लेकिन अरबी में नहीं होते। जैसे कि उर्दू में होता है अलिफ, और एक तो ये कि उर्दू में इसको बे कहते हैं, ठीक है, और अरबी में बे नहीं कहते, अरबी में बा कहते हैं। ठीक है, बा, ता और सा, उर्दू में बे ते से कहते हैं, तो अरबी में हम जब बात करें तो हम बा, ता और सा कहेंगे। और उर्दू में बा के बाद, बे के बाद आता है पे, पा। ठीक है, तो पा जो है वो अरबिक लैंग्वेज में नहीं है। इसी तरह जीम और फिर चा का एक साउंड होता है, वो भी अरबी में नहीं है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कुछ साउंड्स उर्दू में होते हैं लेकिन अरबी में नहीं होते। एक जैसे आप कुछ कमेंट्स में देख रहे होंगे कि एक जो डिस्कशन या एक वो आर्गुमेंट चल रहा है कि क्या ये अल्फाबेट्स 28 है या 29 है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो लोग नए हैं, ये अल्फाबेट जो है ये अल्फाबेट एक अलिफ है और एक हमजा है। ठीक है, इनमें अरबी में किसी हद तक ओवरलैप है। ठीक है, एक ओवरलैप है, इसको इंशाल्लाह हम टाइम के साथ क्लैरिफाई करेंगे। तो अरबिक में जिन्होंने अलिफ और हमजा को एक ही काउंट किया है तो उनके हिसाब से ये अल्फाबेट्स 28 बन जाते हैं। यानी आप अलिफ के साथ साथ अगर आप हमजा काउंट कर लें तो ये 28 बन जाएंगे, फिर वो आखिर में हमजा नहीं करेंगे। और जिन्होंने अलिफ और हमजा को अलग काउंट किया है उनके हिसाब से वो 29 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना कोई कंफ्यूजन मसले वाली बात नहीं है। इस तरह की जो इख्तलाफात हैं वो कुछ हद तक किसी हद तक चलते हैं। जी, अब दूसरी एक जो इन्होंने बात मेंशन की है कॉन्सोनेंट्स की और वॉवल्स की, तो इस हवाले से हम एक चीज देखते हैं। अब जैसे मैं एक इंग्लिश में वर्ड लिखूंगा, अच्छा चले अगर कोई मुझे क्लैरिफाई कर सके, जैसे आपने मेंशन किया है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स, तो कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं?
अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एक वर्ड लिखूं, तो आपके ख्याल में इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ये अगर वर्ड है एक, तो इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? देखिए, इस वर्ड को प्रोनाउंस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ड में जो है वो वॉवल्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में भी होता है कि हर वर्ड में या तो वॉवल होगा या फिर एक वाई जो है जो सेमी वॉवल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इन वॉवल्स का काम क्या होता है कि ये वॉवल्स जो है वो आपके साउंड को एक डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे जैसे अब हम आ जाते हैं, जैसे अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो अब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब ये हो गया बुक्स। ठीक है, अगर इसकी जगह पे इसको इस तरह लिख दिया जाता तो अब आप इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते, फिर ये हो जाता बीक। और अगर आप इस तरह लिख देता मैं अल्फाबेट, तो ये एक डिफरेंट, यानी अब वॉवल जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ब, ये जो बी का साउंड है इसको आपने ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना है, या घुमा के पढ़ना है। ठीक है, तो ये वॉवल्स का असल में काम होता है बेसिकली। इसी तरह अरबी जबान में भी कुछ वॉवल्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं, जैसे अगर मैं अपना नाम किसी हद तक लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं आपके सामने लिखूं, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? अब जिन्होंने ये नाम पहले सुना हुआ है उनको तो पता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर आप अज्यूम करें कि कोई ऐसा ऐसा शख्स हो जिसने कभी उर्दू या अरबी ना पढ़ी हो, तो वो इसको कैसे प्रोनाउंस करेगा? अब उसके लिए बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि नॉन उर्दू या नॉन अरेबिक स्पीकर्स होते हैं, जब वो कोई उर्दू या अरबी नाम बोलते हैं तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि इट्स ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, अब इनको किस डायरेक्शन में प्रोनाउंस करना है इससे जो है बहुत चेंज आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस आइन के नीचे जेर लगा दूं, अब इसको बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। और अगर मैं इस पे जबर लगा दूं तो अब इसको बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। असल में था क्या, असल में अल्फाबेट्स ये जो थे आइन दाल और मिसाल के तौर पे लाम, अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे वॉवल्स मिसिंग है, कॉन्सोनेंट्स मौजूद है। ठीक है, तो वॉवल्स ने क्या करना था, वॉवल्स ने असल में इन अल्फाबेट्स को डायरेक्शन देनी थी। तो इसने होना था आ दील। ठीक है, इसको होना था अदील। तो वो हरकत देने के लिए कि आइन को आपने ऊपर की तरफ ले जाना है और दाल को फिर आपने नीचे की तरफ ले जाना है, ये असल में अल्फाबेट्स थे। लेकिन अगर हम इस तरह बार बार इन वॉवल्स को रिपीट करते रहें तो हमारे जो कलिमात हैं वो बहुत लंबे बन जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं मोहम्मद, तो मोहम्मद लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मो हाम माद। ठीक है, ये असल में इसकी प्रोनंसिएशन होगी। तो चूंकि अब वो एक कलमा इतना लंबा हो रहा है, उसको लिखने में इतनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए अरब्स ने क्या किया, अरब्स ने ये जो वॉवल्स थे, वॉवल्स कौन से थे, ये जो तीन वॉवल्स थे बेसिक, इनको बार बार रिपीट करने के बजाय इनको चेंज कर दिया हरकात से। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बार बार अल्फाबेट्स में, वर्ड्स में बार बार इन वॉवल्स को रिपीट करने के बजाय हम इन वॉवल्स को हम हरकात से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे अब आइन के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, इस तरह का जबर लगा दिया अलिफ लिखने की बजाय, तो आपको पता चलेगा कि आइन को ऊपर की तरफ ले जाना है, और दाल को जब नीचे की तरफ ले जाना था तो दाल के नीचे उन्होंने एक जेर लगा दिया। ठीक है, अगर हम कोई और वर्ड देख लें, मिसाल के तौर पर एक वर्ड है जुलूस। ठीक है, जुलूस, अब अगर इसको हरकात के बगैर लिखूं तो डायरेक्शन क्लियर करने के लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा जुलूस, लेकिन बार बार तकरार की बजाय अगर मैं इसके वॉवल्स हटा दूं
और वॉवल्स की जगह पे मैं ये हरकात लगा दूं तो ये हो गया जू लूस, तो ये वर्ड छोटा हो गया। तो आपने ये याद रखना है कि ये असल में जो हरकात हैं जिनको उर्दू में कहा जाता था जबर, जेर और फिर अब मुझे यहाँ पे पा नहीं मिल रहा तो मैं आप देख लीजिएगा मैं यहाँ पे ब से लिख रहा हूँ बेश, ठीक है। ओ सॉरी, ये हो गया जेर यहाँ पे आ जाएगा और बेश जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो उर्दू में हम जबर जेर पेश कहते हैं तो ये इनकी असल में कहानी है और इनको कहा जाता है हरकात। हरकात क्यों? क्योंकि ये इन अल्फाबेट्स को एक हरकत देते हैं। इन हरकात के बगैर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि इस आइन को आ प्रोनाउंस करना है, ई प्रोनाउंस करना है या ऊ प्रोनाउंस करना है। तो इसलिए इन हरकात को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक वर्ड को आसानी से प्रोनाउंस किया जा सके, ठीक है। अब बात यह है कि बार बार हरकात लिखना भी आसान नहीं होता, बार बार हरकात लिखना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं तो अगर जो उर्दू रीडर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि उर्दू में हम हरकात नहीं पढ़ रहे होते। तो किस तरह क्यों नहीं पढ़ रहे होते? क्योंकि जब हम इतनी बार उर्दू पढ़ते हैं तो हमें उर्दू का समझ में आ जाता है कि उर्दू किस तरीके से पढ़ी जाती है, उर्दू में किसी लफ्ज को किस तरह प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे जबर पढ़ना है, कहाँ पे जेर पढ़ना है, कहाँ पेश करना है, तो फिर हमें उन हरकात की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनके लिए अरबी जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जो अरबी जो है वो नई नई पढ़ना सीखते हैं, तो उनको जो है वो शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होती है हरकत के बगैर किस तरह पढ़ा जाए। और हम देखते हैं कि चूंकि मुसलमानों का एक खास ताल्लुक है कुरान मजीद से, तो कुरान मजीद में उन्होंने मेहनत करके तमाम हरकत जो है वो वाज़े कर दी हैं। आप कुरान का कोई भी मुसहफ उठाएं तो उसमें हरकत मौजूद होती हैं, कहाँ पे जबर है, कहाँ पे ज़ेर है, कहाँ पे पेश है, ये सब कुछ मेंशन होता है ताकि जो नॉन अरबिक स्पीकर भी हैं वो भी आसानी से इसको पढ़ सकें। लेकिन जो दीन के तलबा होते हैं, तलबा इल्म होते हैं और जो अरबिक लैंग्वेज का और अरबिक ग्रामर का इल्म हासिल करते हैं, उनको एक चीज कोशिश करनी चाहिए और जो इंशाल्लाह आपके कोर्स का भी पार्ट है कि शुरू शुरू में तो हमारे पास हरकात का रोल होगा लेकिन आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ हम इन हरकात को लिखने से गायब करते रहेंगे और टाइम के साथ साथ आप अरबी को बगैर इन हरकात के भी रीड कर सकेंगे। जैसे कि आप उर्दू को या इंग्लिश वगैरह को आप पढ़ लेते तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अरबी को भी बगैर हरकात के इंशाल्लाह रीड करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में हम इन हरकात को मेंशन भी करेंगे और आपको भी इन हरकात का ख्याल रखना है, आप लिखें भी अपने पास, और अगर खासकर अगर आपने पहले उर्दू या अरबी नहीं लिखी हुई तो आप इन हरकात को अपने पास जरूर लिखा करें ताकि आप जब बाद में रिवाइज कर रहे हो या कोई चीज रीड कर रहे हो तो आपको याद हो कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर आप यानी इस एस्पेक्ट से कि कभी कभी इस प्रोनंसिएशन को चेंज करने की वजह से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं उर्दू मैं इंग्लिश की एक एग्जांपल दूं, ये दो वर्ड्स हैं, इनमें हमें दिखने में तो अल्फाबेट डिफरेंट लग रहा है लेकिन असल में उस अल्फाबेट की वजह से सिर्फ एक साउंड डिफरेंट हुआ है। ये हो गया पीयूटी पुट और पीआईटी पिट, पुट एंड पिट। अब अगर मैं ये चले पुट की एग्जाम्पल रोक दे, मैं ऐसी देना चाहूँ, चले पुट ही रहने, पुट और पिट। अब इन दोनों के माने में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों की जो मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। पुट का कुछ और माना है, पिट का कुछ और माना है। चेंज क्या हुआ? सिर्फ एक हरकत चेंज हुई है, ठीक है। सिर्फ एक हरकत चेंज होने की वजह से माना चेंज हो जाता है। तो इसी तरह अरबी में भी और उर्दू में भी हम देखते हैं कि कहीं पे माना चेंज होने की वजह से, हरकत चेंज होने की वजह से माना भी चेंज हो जाता है। तो शुरू शुरू में हम ख्याल रखेंगे कि हम हरकत को मेंशन करें लेकिन जैसे जैसे आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो हरकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी हटाते रहेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आज के लिए एक आखिरी बात मैं इंशाल्लाह मेंशन कर दूं, ये हरकात जो मैंने लिखी है यहाँ पे जबर जेर पेश, और अब मैं यहाँ पे जो है इनको एक बार वापस लिख रहा हूं लेकिन अब मैं इनको लिख रहा हूं उन टर्म्स में जो कि हम इस क्लास के लिए जिक्र करेंगे, ठीक है। ये जो ये वाली साइन है और फिर बल्कि इस साइन से शुरू करते हैं और फिर ये तीन साइंस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये साइंस नजर आ रही होंगी। ये जो हरकत है जिसको उर्दू में हम पेश कहते हैं,
हम अपनी इस क्लास के लिए इसको रेफर करेंगे वम्मा से, वम्मा। और ये जो जबर जिसको कहते हैं उसको हम अपनी क्लास में कहा करेंगे फतहा, और ये जो जेर है इसको हम कहा करेंगे कसरा। ठीक है, तो वम्मा, फतहा और कसरा, ये हरकत है जो कि हर अल्फाबेट पे आएंगी, और अगर इन हरकत में से कोई हरकत ना हो तो फिर उस वक्त उस वर्ड को कहा जा रहा है साकिन। आप साकिन कह लें या फिर आप इस हरकत को सुकून कह लें, जैसे आप कहना चाहें, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों इस्तेलाहात इस्तेमाल की जा सकती हैं। कि जब जम्मा, फतहा या कसरा ना हो, यानी कि जबर, जेर या पेश ना हो, तो फिर वो अल्फाबेट जो है उस वक्त कहा जाएगा कि ये साकिन है या सुकून है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक ये बात क्लियर है कि हर अल्फाबेट पे अरबी में कोई ना कोई हरकत जरूर होगी, और अगर हरकत नहीं होगी तो उस पे सुकून होगा या वो हर्फ साकिन होगा। ठीक है, तो या उस पे पेश होगा यानी कि जम्मा होगा, या जबर होगा यानी कि फतहा होगा, या जेर होगा यानी कि कसरा होगा, और अगर ये तीनों नहीं होंगी तो फिर वो साकिन कहलाएगा या सुकून के साथ कहलाएगा उस वक्त। एक बीच में सवाल आया है कि सुकून और जज्म क्या दोनों एक ही चीज है? तो नहीं, सुकून और जज्म में फर्क है, और वो फर्क क्या है वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी ना कभी वो फर्क आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक अल्फाबेट पे या तो कोई हरकत होगी इन तीनों में से, जम्मा, फतह या कसरा में से, और इन तीनों में से याद रखिएगा एक टाइम पे कोई एक ही हरकत हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हर्फ में जम्मा भी होगा और फतह भी होगा। हर्फ का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अल्फाबेट, जैसे ये हा एक अल्फाबेट है, रॉ एक अल्फाबेट है, का एक अल्फाबेट है, काफ एक अल्फाबेट है, तो एक अल्फाबेट पे एक टाइम पे एक ही हरकत होगी, और अगर एक एक कोई भी हरकत नहीं होगी तो फिर वो सख्त साकिर होगा। अब जैसे हम इसको देखते हैं तो हा पे है फतहा, रॉ है साकिन, हर रॉ साकिन हो गया, काफ पे है फतहा और अलिफ जो है वो साकिन है, और फिर अभी फिलहाल लिखा हुआ है तो ता को भी फिलहाल मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको एक क्लियर है हरकात। ठीक है, तो हा पे फतहा आ गया, रॉ पे साकिन आ गया, काफ पे फतहा आ गया। अरबी में हरकात को ही वॉवेल्स कहते हैं जी। आप अरबी के जो असल में वॉवेल्स थे वो ये अलिफ, वाव और या है। ठीक है, लेकिन बार बार लिखने में इनको रिपीटेशन नहीं की जाती और इनकी जगह पे हरकत आ जाते हैं, तो हरकत थोड़ा सा वॉवेल से अलग कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों को मिक्स ही करें। वॉवेल्स की जहां तक बात है वो असल में अलिफ, वाव और या रहेंगे, और लेकिन जो साउंड देने के हवाले से वो अब जाहिरी तौर पे हरकत शो होती हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इनके पीछे वो अल्फाबेट्स ही होते हैं। जम्मा यानी कि पेश के पीछे वाव, फतहा यानी जबर के पीछे अलिफ, और कसरा यानी के जेर के पीछे या। और ये अगर आपको बात इंशाल्लाह अभी आप जहन में बिठा लेंगे तो आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहां पे आपको फिर ये रिलेशनशिप नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज हम यहाँ पे रुकते हैं इंशाल्लाह। आपने एक तनवीन का सवाल किया है, तनवीन का सवाल इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देख लेंगे कल तक इंशाल्लाह। ये जो कैमरास के हवाले से वापस कमेंट आया, ये चीज मैंने क्लास के शुरू में भी मेंशन की थी कि स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स खुद अपने कैमरास जो है वो ऑफ रखें। हमारी तरफ से सेटिंग ये है कि डिफॉल्ट में जब एक स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लास को तो उनका कैमरा ऑफ होता है, लेकिन किसी भी वजह से अगर कैमरा ऑन हो भी जाए तो आप जो है कोशिश करके उसको फिर ऑफ कर दिया करें। ठीक है जी, अच्छा आज मैं एक बार बिल्कुल थोड़ा सा रिविजन, ब्रीफ रिविजन कर दूं कि आज हमने अरबी के हवाले से, पहले तो हमने कोर्स के तारुफ और मुख्तलिफ चीजों के हवाले से बात की थी, उसके बाद हमने अरबी जबान के हवाले से जो इंट्रोडक्शन किया वो ये किया कि हमने अल्फाबेट्स देखे, उसके बाद हमने अलिफ और हमजा के बारे में एक थोड़ा सा देखा कि कुछ लोग अलिफ और हमजा को एक ही अल्फाबेट काउंट करते हैं और कुछ लोग इन दोनों को अलग काउंट करते हैं। कोई मसले की बात नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस है वो आगे हमारे पास इंशाल्लाह कभी ना कभी आएगा डिटेल में। उसके बाद हमने हरकात का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और हरकात के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो तीन वॉवल्स हैं अरबी के, अलिफ, वाओ और या, इनका ताल्लुक है हरकात से, जो हरकत जबर, जेर और पेश कहलाती है उर्दू में। और फिर मैंने आपको इनका अरबी में जो है वो नाम बताया कि पेश को वम्मा कहा जाता है, जबर को फतहा कहा जाता है और जेर को कसरा कहा जाता है, और अगर इन तीनों हरकतों में से एक हर्फ पे कोई हरकत ना हो तो फिर उस वक्त उसको साकिन कहा जाता है, वो हालत सुकून में होता है। ठीक है, सुकून और जज्म में क्या फर्क है यह हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, जब जज्म का टॉपिक हमारे पास आएगा इंशाल्लाह तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
कुछ स्वैप कल के लिए भी छोड़ दे, कुछ जी इंशाल्लाह। बाकी हम टॉपिक कल इंशाल्लाह थोड़ा सा रिवीजन करके आगे जो हमें डिस्कस करना है इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी हम मेरी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो आपके दूसरे उस्ताद को मुझे कोशिश करनी है कि वो इंशाल्लाह आ जाए। आपकी दही क्लास का टाइम 7 बजे तक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 5-10 मिनट जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसके कोई आप इतना परेशान ना हुआ करें इंशाल्लाह। जैसे ऐसे फ्लो में आते रहेंगे तो चीजें फिक्स होते रहेंगे। ओके जनाब, इंशाल्लाह अगर आपके पास अभी कोई सवाल है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह कल हमारी जब मुलाकात होगी तो फिर हम उसको वहां से कैटर कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।